हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 6 जनवरी 2022 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपनी केरल की ट्रिप की पूरी समरी। हमारी केरल की सीरीज 13 पार्ट्स में पब्लिश हुई है और आपने लगातार देखी है, बहुत बढ़िया बढ़िया आपने कमेंट भी करे हैं, बड़ा हमारा हौसला बढ़ाया है। तो अभी मैं उसकी समरी बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसी से रिलेटेड कमेंट आ रहे थे। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके बता देना, हम अगली किसी वीडियो में या अगली किसी रील में उसकी डिटेल बता देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी ट्रिप कितने दिन की थी। हमारी ट्रिप थी जी टोटल 14 दिन की, मतलब कि 7 दिसंबर को हम केरल में पहुंच गए थे। हम गए थे दिल्ली से ट्रेन से, वापसी करी हमने फ्लाइट से। 7 दिसंबर को हम कोच्चि पहुंच गए थे और 20 दिसंबर को कोच्चि से वापसी की हमारी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए। तो इस तरह से लेके 7 से लेके 20 तारीख तक, यानी कि टोटल 14 दिन 13 रात हम केरल में रहे। और हमारा रूट इस तरह से रहा, सबसे पहले कोच्चि से गए हम मुन्नार, मुन्नार से गए हम थेक्कडी। मुन्नार में हम 3 नाइट रुके, थेक्कडी में 3 नाइट रुके, कोच्चि में 1 नाइट रुके। थेक्कडी से गए कोट्टायम, कोट्टायम 1 नाइट रुके। उसके बाद गए अलेप्पी, कुमारकोम घूमते घामते फिर अलेप्पी पहुँचे, अलेप्पी रुके 2 नाइट। उसके बाद फिर मुंद्रो आइलैंड पर रुके हम 1 नाइट और उसके बाद पहुँच गए त्रिवेंद्रम 2 नाइट। तो कुल मिला के 13 नाइट हमारी हो गई। ये हमारा रूट था, मैक्सिमम लोग यही वाला रूट फॉलो करते हैं। जाने से पहले हमने फेसबुक पे पूछ लिया था जी, हमें कोई आइडिया तो था नहीं जी केरल का, तो जाने से पहले हमने पूछ लिया था आप ही लोगों से कि भाई बताओ केरल वेरल का कुछ आइडिया दे दो। तो मैक्सिमम लोगों ने यही बताया था कि ये वाला रूट फॉलो कर लेना, अगर हमारे पास और ज़्यादा दिन होते या फिर बाइक होती अगर तो हम कुछ और रूट फॉलो करते। ये हमारा रूट हो गया। और अब मैं बताने वाला हूँ कि होटल का खर्चा, पूरी ट्रिप में हम कौन कौन से होटलों में रुके वो सारा सब कुछ मैं आपसे बता चुका हूँ। तो अभी तो मुझे यहाँ पे याद है नहीं कि कौन कौन से होटलों में रुके थे, लेकिन मैं खर्चा आपसे बता देता हूँ। एर्नाकुलम में जो हमने होटल लिया था रेलवे स्टेशन के सामने ही था, वो 700 या 800 का कमरा था उसमें। उसके बाद हम मुन्नार पहुँचे, मुन्नार मार्केट में ही हमने कोई होटल लिया था, उसमें भी 800 का कमरा था, 3 नाइट, 1200 का कमरा था, 3 नाइट के लिए रुके थे। तो टोटल मिला के वहाँ पे 3600 रुपये हुए। अगले दिन हम पहुँचे, उसके बाद हम पहुँचे थेक्कडी में एक होटल लिया था हमने मेन मार्केट में 900 रुपये का। उसके बाद हम पहुंच गए जंगल में एक होम स्टे ले लिया था थेक्कडी के आउटर में और उसका रूम था 1500 रुपये। तो वहां पे हम 2 दिन के लिए रुके थे। उसके बाद कोट्टायम में 2200 रुपये का रूम था। उसके बाद फिर अलेप्पी में 2000 रुपये का रूम था। उसके बाद फिर मुंद्रो आइलैंड वहाँ पे 1700 रुपये का रूम था। और लास्ट में रुके हम त्रिवेंद्रम, वहाँ पे था जी 3100 रुपये का रूम। तो टोटल मिला के हमने 13 नाइट स्टे किया होटलों में और कुल मिला के 22000 रुपये खर्च किए। इसके बाद बात आती है खाने की। खाने में हमने देखो सब कुछ बाहर ही खाया, होटल वगैरह में नहीं खाया। त्रिवेंद्रम में होटल में हमारा इंक्लूड था तो त्रिवेंद्रम होटल में हमने ब्रेकफास्ट किया था, बाकी ब्रेकफास्ट लंच डिनर हमने सब कुछ बाहर ही किया। और आपको पता ही है कि हम ब्रेकफास्ट हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो फिर लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती, लंच कर लिया तो डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन फिर भी पूरे दिन भर में 2 मील तो हमें चाहिए। तो हमने ये देखा है कि 250-300 रुपये में हम दोनों का काम बड़े आराम से चल जाता था। भरपेट खाना कितना भी खा लो, कुछ भी खा लो, एवरेज 250-300 रुपये में भरपेट काम हमारा चल जाता था। तो मतलब कि दिन भर में 500-600 रुपये। तो अगर 14 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 कुछ होता है 8-9000 रुपये होता है। तो 8-9000 रुपये हमारा खाने का खर्चा हुआ है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमने लोकल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया और बसों में जो केरल में वो 1.5 से 2 रुपये पर किलोमीटर का एवरेज पड़ता है, 1.5 से 2। अगर आपको मुन्नार से कोच्चि से मुन्नार जाना है तो 120 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है, तो 200 रुपये के आसपास उनका किराया था। आप गूगल मैप पे चेक कर सकते हो कि डिस्टेंस कितनी है, उसको 1.5 या 2 से 2.25 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, आपको बसों का किराया आइडिया हो जाएगा। टैक्सी वगैरह हमने इस्तेमाल लेगी, सारे के सारे शहरों में टैक्सी भी मिल जाती है और ऑटो वगैरह भी मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है भैया वेज खाने की। देखो मैं और दीप्ति दोनों अंडा खा लेते हैं, लेकिन इस वाली ट्रिप के लिए हमने डिसाइड ये किया था कि अंडा नहीं खाएंगे। तो ये वाली जो केरल की ट्रिप थी हमारी, इसमें हम बिल्कुल प्योर वेज, शुद्ध शाकाहारी बन के रहे और आपको हर जगह दिखाया कि हमने शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में ही खाना खाया। केरल में शुद्ध शाकाहारी की कोई समस्या नहीं है। केरल जो वैसे बड़ा बदनाम है वो बीफ वगैरह के चक्कर में, लेकिन कुछ लोग बीफ खाते हैं और वो बात इतनी ज़्यादा फैल जाती फिर ऐसा लगता है पूरा स्टेट ही बीफ खाता है। केरल में बहुत मिलेंगे आपको शुद्ध शाकाहारी,
बहुत और उससे भी ज़्यादा मिलेंगे आपको मिक्स वाले, जहाँ मीट भी मिलेगा शाकाहार भी मिलेगा, लेकिन शुद्ध शाकाहारी वाले भी कम नहीं है। हमने जितनी भी जगह पे खाए शुद्ध शाकाहारी ही खाया। तो केरल में एक सीरीज है आर्या की, ये शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंटों की सीरीज है। उस केरल के तकरीबन सारे ही शहरों में इनके रेस्टोरेंट मिलते हैं और बढ़िया आलीशान रेस्टोरेंट है, एसी वेसी बढ़िया, एकदम मज़ा आता है, खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो आप जब भी केरल में कहीं पर जाओ तो गूगल मैप पे एक बार सर्च मार लो आर्या, ARY, ये इस टाइप से कुछ सर्च मार लो, मिल जाएगा। और एर्नाकुलम में, त्रिवेंद्रम में पंजाबी रेस्टोरेंट भी हैं, तो बड़े बड़े जो सिटी हैं पंजाबी रेस्टोरेंट भी वैसे बहुत सारे मिल जाते हैं, वेज खाने की कोई समस्या होती नहीं है। लेकिन मेन समस्या पता है क्या होती है कि हमें चाहिए होता है नॉर्थ इंडियन स्टाइल का वेज खाना, वहाँ पे समस्या पड़ जाती है। भाई वहाँ केरल में क्या होगा, भाई नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे, और अगर नारियल का तेल इस्तेमाल नहीं भी करें, सपोज करो नारियल का तेल इस्तेमाल नहीं किया, सरसों का ही तेल इस्तेमाल किया, तब भी वहाँ पे साउथ इंडियन स्टाइल से बनता है, मतलब टेस्ट अलग ही हो जाता है। अगर आपको मटर पनीर भी खाने हैं तो अपने यहाँ जो मटर पनीर बनते हैं, और भले ही बनाने का तरीका सेम हो, भले ही सारे के सारे वो इंग्रेडिएंट वगैरह सेम हो, सरसों का तेल हो, नारियल को टच भी ना करे, तब भी वहाँ के मटर पनीर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये देखो थोड़ा सा होता है। बहुत सारे हमारे नॉर्थ इंडियन लोगों को इडली और डोसे की आदत नहीं होती। अभी मैं एक भाई से बात कर रहा था, हरियाणा के थे, करनाल के, वो कह रहे भाई मैंने तुम्हारी पूरी की पूरी वीडियो देखी है और बस ये तो मुझे चिंता नहीं है कि वहाँ पे वेज खाना नहीं मिलेगा, लेकिन समस्या ये है कि यार इडली डोसा मुझसे खाया नहीं जाता। तो अगर आपको ये इडली डोसा तो तब तो देखो समस्या पड़ने वाली है। और अगर इडली डोसे से कोई परहेज नहीं है और नारियल के तेल से और वहाँ के जो लोकल स्टाइल है बनाने का, क्योंकि वहाँ मसाले वहीं पे पैदा होते हैं, बिल्कुल कतई ऑर्गेनिक मसाले, असली वाले मसाले डलते हैं, तो टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है वेज खाने में भी। बाकी वेज खाने की वहाँ कोई समस्या नहीं है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप केरल जाना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या कैसे कैसे रूट फॉलो करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँ, सबसे आपकी शुरुआत करो कोच्ची से, शुरुआत कोच्ची से करो और अपने टाइमिंग के हिसाब से। सपोज करो आपके पास चार दिन है, चार दिन आपको तीन नाइट रुकना पड़ेगा केरल में, कोच्ची पहुंचो, कोच्ची से सीधे पहुंच जाओ मुन्नार। मुन्नार जाओ तो भाई दो नाइट जरूर रुको मुन्नार में, मुन्नार में दो नाइट हर हाल में रुको। एक दिन वहाँ की लोकल गाड़ी लेके टॉप स्टेशन चले जाओ, जैसे हम भी गए थे, रास्ते में जितने भी व्यू पॉइंट मिले थे ज़्यादातर व्यू पॉइंट उसी रास्ते में है, सारे के सारे वो कवर कर लो। एक दिन भैया थेक्कडी चले जाओ। तो इस तरह से अगर आपके पास चार दिन है, पहले दिन कोच्ची से मुन्नार, दूसरे दिन मुन्नार लोकल, तीसरे दिन मुन्नार से थेक्कडी, चौथे दिन भाई थेक्कडी से कोच्ची वापस आ जाओ वापस। इसी तरह से अगर आपके पास पाँच दिन है, छः दिन है, आठ दिन है, दस दिन है, फिर इसी तरीके से जोड़ते चले जाओ। अगर आपको बैक वाटर का टूर करना है, बैक वाटर के लिए कौन कौन सी जगह फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है अलेप्पी। अलेप्पी में चलती है हाउस बोट, हालांकि हम नहीं गए, हमारी इच्छा नहीं थी हाउस बोट में जाने की, लेकिन जाना चाहिए। आप भी अगर कभी केरल जाओ तो एक नाइट का हाउस बोट का ट्रिप अपना जरूर प्लान करना। इसके अलावा कुमाराकोम फेमस हो गया बैक वाटर के लिए, मुंद्रो आइलैंड फेमस है बैक वाटर के लिए, और पुआर आइलैंड फेमस है बैक वाटर के लिए। तो अगर आपको बैक वाटर, एक भाई थे हमारे उत्तराखंड के थे, मेरे से पूछ रहे थे, नीरज भाई देखो पहाड़ तो हमने बहुत देख लिए। मैंने कहा जी बताओ कि हमने पहाड़ तो बहुत देख लिए, मैं तो पहाड़ के रहने वाला हूँ, हमें केरल जाना, पहाड़ वहाड़ देखने नहीं है, और हमें जो बीच और यही सब बैक वाटर वगैरह देखने। मैंने उनको सजेस्ट कर दिया कि जी आप ऐसे ऐसे कर लो, बीच की तो केरल में कोई कमी नहीं है, बैक वाटर की भी कमी नहीं है, पहाड़ की भी कमी नहीं है, आपको पहाड़ में नहीं जाना, अब बैकवाटर बीच देख लो। मेरा तो कहना यही है केरल जाओ हफ्ते भर के लिए जाओ। हफ्ते भर का मैं टूर आपको बता रहा हूँ, पहले दिन जाओ कोच्ची से मुन्नार, दूसरे दिन मुन्नार लोकल घूम लो, तीसरे दिन मुन्नार से थेक्कडी चले जाओ, चौथे दिन थेक्कडी से अलेप्पी आ जाओ, अलेप्पी हाउस बोट में रुक जाओ, पाँचवें दिन अलेप्पी से चले जाओ मुंड्रो आइलैंड, छठे दिन मुंड्रो से चले जाओ कोवलम चले जाओ, और दो दिन अपना कोवलम में रुक लो, आपका सात आठ दिन का टूर बढ़िया बन जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पे इन सारी लोकेशन पे बढ़िया बढ़िया हर बजट के होटल हैं। होटल का कैसे करना है, होटल वगैरह मारो सर्च, अगर आपका बजट कम है कि भैया बजट के हिसाब से मेक माई ट्रिप पे सर्च मार लो, गूगल पे सर्च मार लो, क्लियर ट्रिप पे सर्च मार लो, GoIBO पे कर लो, booking.com पे कर लो, OYO पे कर लो, बजट के हिसाब से जितना आपका बजट है उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे, कौन सा रॉकेट साइंस थोड़ा ही है। और लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले भाई अपने देखो प्रचार करना भी बनता है, अब जो है ट्रैवल किंग इंडिया भी केरल की ट्रिप कराने लगी है। अगर आपको केरल का किसी भी तरह का पैकेज चाहिए, माउंटेन का या बैकवाटर का या बीच का या सभी का मिक्स, कि भाई कुछ दिन वहाँ पे, कुछ दिन वहाँ पे, कुछ दिन वहाँ पे, तो आप जो है एक स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, इस पर आप विजिट कर सकते हो, इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, केरल का कोई भी पैकेज ले सकते हो। ट्रैवल किंग इंडिया भी अब केरल में हो गई है एक्टिवेट। तो चलो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। केरल से रिलेटेड आपकी
कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली किसी वीडियो में या अगली किसी रील में मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।